कोविड वैक्सीनेशन को लेकर संबल एसपी सांसद शफीकुर्रहमान वर्क ने वैक्सीन पर उठाए सवाल। एसपी सांसद ने बयान जारी कर कहा, वैक्सीन पहली बार आ रही है, अभी न देखा है न समझा है। उलेमाओं ने पहले भी बयान जारी करके कहा था कि वैक्सीन में कुछ गड़बड़ है। नरवे में वैक्सीन के इस्तेमाल से 30 लोगों की मौत का मामला सामने आ चुका है, इसलिए अभी वैक्सीन न लगवाएं। वैक्सीन मुफीद हो इसलिए अभी इंतजार करें। सरकार को चाहिए कि टेस्टिंग के बाद ही टीकाकरण करवाएं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के वैक्सीन विरोध के बयान का किया समर्थन। सरदाना के बीजेपी विधायक संगीत सोम द्वारा पाकिस्तान भेजे जाने के बयान पर कहा, हम हिंदुस्तानी हैं, हम जब देश के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान नहीं गए तो अब क्यों जाएंगे। ये चूंकि वैक्सीन अभी पहली बार आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी हमने तो उसको न देखा न समझा। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, चूँकि उलमा ने कह दिया था कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इनकी तरफ से बयान आए कि भाई इसका कोई प्रोपेगेंडा ना हो। लेकिन आदमी जान हर आदमी को प्यारी है, हर आदमी ये महसूस करता है कि अगर मैंने इस्तेमाल कर लिया, खुदा न खास्ता तो गड़बड़ हो गई तो मैं मार जाऊँगा। तो इसलिए ये वैक्सीन का अभी नॉर्वे के अंदर आपने देखा कि बहुत आदमी मर गए, 23 आदमी मर गए उसमें जो इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें गवर्नमेंट को भी की भी जिम्मेदारी है कि वो इसको टेस्टेड कराए, टेस्ट होने के बाद में ही उसका इस्तेमाल हो और सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन हो तो इसका इस्तेमाल कराया जाए। अच्छा, इससे पहले भी अखिलेश यादव जी ने भी वैक्सीन ना लगवाने को कहा है। किसने? अखिलेश यादव जी ने वैक्सीन ना लगवाने के लिए बात कही है। जी हाँ, तो बहरहाल अगर उन्होंने भी कही है तो मैं भी इसी मिजाज का हूँ, इसी राय का हूँ कि अभी न लगवाया जाए, बल्कि देखा जाए कि भाई हालात क्या हैं, ये वैक्सीन मुफीद होगा या नहीं होगा, इससे नुकसान तो नहीं है, नुकसान के भी रिपोर्ट आ रही हैं। और जबकि इधर संगीत सोम है, उन्होंने वैक्सीन का विरोध करने वाले नेताओं पर, सपा नेताओं पर ये बयान दिया कि उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए। पाकिस्तान उन्हें तो है तो हिंदुस्तान के, हम पाकिस्तान कैसे चले जाएं? अगर यहाँ की नेशनलिटी तो हमारी है हिंदुस्तान की, तो हमें पाकिस्तान को भेजना चाह रहे हैं? हम तो भाई खुद ही हिंदुस्तानी है, जिंदगी भर के हिंदुस्तानी है, जब बंटवारा हो रहा था जब न गए। तो आज 16 जनवरी है जिसमें रहेंगे यही, चाहे जिंदा रहे चाहे मरे, लेकिन हमें यहीं रहना, यहीं खबर बनानी है अपनी, समझ गए ना? और अपनी अपनी कौम के लिए, मिल्लत के लिए और देश के लिए हमें काम करना। सर जिस तरह से आज हम देश का भला चाहते हैं, देखो इसमें मैंने एक गजल लिखी थी, उसका एक शेर सुना देता हूँ मैं। खुदा नाराज हो ऐसी सियासत हम नहीं करते, खुदा नाराज हो ऐसी सियासत हम नहीं करते, वतन से प्यार करते हैं बगावत हम नहीं करते। हमें तो अपना वतन प्यारा है, हम इस वतन को संवारना चाहते हैं, आगे इसकी तरक्की देखना चाहते हैं, इसकी उसको ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, हम देश के अंदर से जो कमियां हैं उनको दूर कराना चाहते हैं। आज किसान के साथ क्या हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, क्यों वो क्यों यहाँ की गवर्नमेंट, जो बीजेपी की गवर्नमेंट, क्यों वो इसमें मजबूर दिखाई दे रही है, जब किसान मना कर रहा है कि भाई उनका ये जो उनके खिलाफ जो कानून